सतना नगर निगम के बाद अब टीकमगढ़ नगर पालिका में चल रही उठापटक के बीच 6 पार्षदों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पार्षदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। पार्षदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाने के बाद बीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में लगातार लोग आ रहे हैं, ये सभी बीजेपी की गरीब कल्याण की नीति से प्रभावित होकर आए हैं। निकाय उपचुनाव के रिजल्ट भी आ गए हैं, 19 में से 14 सीटों पर बीजेपी के पार्षदों ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और कमलनाथ सुन लें, जनता आज भी बीजेपी को आशीर्वाद दे रही है और बीजेपी को जीत दिला रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं उनको बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे संभाग के प्रभारी भाई मुकेश चौधरी जी, हमारे वहाँ के महामंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक भाई हरिशंकर खटीक जी, जिले के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष अमित नूना जी के नेतृत्व में आज सभी 6 के 6 हमारे पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आप सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, और आपकी ज्वाइनिंग का समय ऐसा है कि संगठन का पर्व है और संगठन के पर्व में आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार की यात्रा लगातार बढ़ रही है। टीकमगढ़ के अंदर कई प्रकार की ऐसी चीज़ें थीं जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष के दुरावस्था के दौर के कारण कई प्रकार की चीज़ें, जिनको आज उन सभी पार्षदों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम अपने टीकमगढ़ नगर की, अपने वार्ड की सेवा कर सकते हैं, तो आज वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।